वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। नागालैंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल बनाने का पीछे मकसद है कि आसान तरीके से मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं। अगर दोस्तों इस चैनल के बारे में कुछ आपके पास सुझाव होगा या फिर कुछ आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में, वो हमें दें। तो दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं कहें तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वेलकम फ्रेंड, आज आपको घर के जो पानी का मोटर है उसमें कौन सा स्टेबलाइजर लगेगा, कितना केवीए का लगेगा, इसके बारे में बताएंगे हम। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि घर के मोटर कितने वाट का है, कितने वाट का है, उसके बाद हम लोग इसमें स्टेबलाइजर लगाएंगे। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे घर का मोटर कितने वाट का है। तो सपोज मान लीजिए घर का मोटर जो है आपका 1 HP का है, 1 HP का जो मोटर जो होता है 1 horsepower का, वो लिस्ट के अनुसार 746 वाट का होता है। तो हमें इसे 746 वाट का लेना है। 746 का वाट का होता है 1 HP मोटर में। तो हम लोग इसको डबल वाट करेंगे, क्योंकि पानी का मोटर जो है इंडक्शन मोटर होता है, वो स्टार्टिंग में वो डबल लोड लेता है। अगर मान लीजिए 746 वाट का है तो वो डबल में आ जाएगा 1492 वाट आ जाएगा। हमें वाट तो मालूम हो गया इसका, 1492 वाट का है ये मोटर। रियल इसकी जो वाटेज है इतनी होती है, क्योंकि इंडक्शन लोड होता है। अगर हम लोग इसको स्टेबलाइजर चलाएंगे तो कितने केवी का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1492 डिवाइड 0.6 पावर फैक्टर। हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर फैक्टर से इसको डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा 2486 VA हो जाएगा। तो ये VA है, तो इसको किलोवाट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से और इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.48 KVA। तो इसके लिए 2.5 KVA का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो सपोज हम लोग का घर में जो है 1.5 HP का मोटर है, तो उसके लिए कितना लेना पड़ेगा, 1.5 HP बराबर आएगा 1119 वाट आएगा। इंडक्शन लोड के लिए इसमें डबल उसका वाटेज मानेंगे हम लोग, डबल में आ जाएगा 2238 वाट आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 0.6 PF से, बराबर आ जाएगा 3730 VA। ये VA में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 3730 VA, और उसको KVA में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.73 KVA। या फिर हम लोग 4 KVA का स्टेबलाइजर ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 1.5 HP के लिए 4 KVA का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।